गाइस, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो लोग अपने साउंड सिस्टम की आवाज़ को दूर तक भेजना चाहते हैं। क्या होता है, जब भी हम अपने साउंड सिस्टम को कहीं लाइव प्रोग्राम में लगाते हैं तो अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए हम हॉर्न के साथ ड्राइवर यूनिट का उपयोग करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, कहीं तो हमारी आवाज़ दूर चली जाती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहां पर आवाज़ बिल्कुल भी दूर नहीं जाती। हम कितना भी कोशिश कर लें लेकिन आवाज़ दूर नहीं जाती। मैंने बहुत सारी कोशिश किया है रिसर्च करने की इस पर कि क्या कारण होता है कि कभी कभी आवाज़ हमारा दूर तक जाता ही नहीं है, फिर भी मुझे नहीं पता लगा। बहुत जल्दी मैं इसका रिसर्च करके आपको इसकी जानकारी शेयर कर दूँगा। लेकिन कुछ भी हो, मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल के रखा है इस समय जो कि आपकी आवाज़ को 5 किलोमीटर दूरी तक भेजने में सक्षम है। आप कहीं भी अपने साउंड सिस्टम को लगाते हैं, आपकी आवाज़ को 5 किलोमीटर से ज़्यादा ही वो ट्रांसफ़र करेगा, इससे कम नहीं होने वाला है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अहूजा कंपनी की तरफ से आने वाले एक प्रोडक्ट की, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। ये एक ड्राइवर यूनिट है जो कि LMT में आता है। इसको हमने काफ़ी सालों से यूज किया है, जिसे यूज करने के बाद मुझे पता चला कि इस समय भी बहुत सारे ऐसे इवेंट आ रहे हैं जिस पर हमें अपने साउंड सिस्टम की आवाज़ को दूर तक भेजना होता है, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप भी अपने साउंड सिस्टम की आवाज़ को काफ़ी दूर तक भेज पाएँ। ये एक 50 वाट का LMT ड्राइवर यूनिट है जो कि बहुत ही अच्छा है। चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं और किस तरह से आपकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाता है, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है LMT का बॉक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले, आपको इस प्रोडक्ट को दिखाने से पहले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट की पूरे इंडस्ट्री में कॉपी यानी इसका डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा आ गया है, इसलिए आपको सावधानी से इसे ख़रीदना है, तभी आप सही प्रोडक्ट ले पाओगे, अन्यथा आप कॉपी ले सकते हो। इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पहचान जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसका पहचान क्या है, किस प्रकार से इसके ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, इसका जो डिब्बा होगा ये पूरा मेटेलिक होगा, ऐसा लगेगा कि ये कोई धातु से बना हुआ है, चमकदार बिल्कुल डिब्बा आएगा, सबसे पहला पहचान। और साइड में इधर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर आपको रिबन देखने को मिलती है, ये पट्टी जिस पर आहूजा मेंशन किया हुआ है। अच्छे से आप यहाँ पर देख लीजिए, चारों तरफ ये बॉक्स हैं और ऊपर आपको यहाँ पर इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिटेल दी जाती है। यहाँ पर आप देखिए ये कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और नीचे तो कुछ नहीं देखने को मिलता है और यहाँ पर वेबसाइट मेंशन है। अब यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं और आपको एक बात बता दें, इसके पहचान की एक अंदर इसको खोल के टेस्ट किया जाता है, वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उसको भी बाद में बताने वाला हूँ कि अंदर क्या पहचान होती है। सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए कि इसके फीचर क्या हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिल रहा है PA ड्राइवर यूनिट विथ 100 वोल्ट। मॉडल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है AU50XT 50 वाट 100 वोल्ट। अब यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनपुट पावर आपको देखने को मिलता है 50 वाट RMS और 70 वाट मैक्स पावर। और यहाँ पर पावर टैप की बात कर लेते हैं, यानी कि इस LMT को कितने कितने वाट में यूज किया जा सकता है। जैसे आपके पास एम्पलीफायर एक 1000 वाट का है तो उस पर हम कितने यूनिट लगा सकते हैं वो इसी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसे आप 50 वाट बना सकते हो एडजस्ट करके, और इसे आप 40 वाट भी बना सकते हो, इसे 20 वाट का भी बना सकते हो, इसे 10 वाट और 5 वाट, यानी एक ही इस यूनिट को आप अलग अलग वाट में बदल सकते हो, जैसे आपके पास एम्पलीफायर हो, जितनी आपको आवाज़ चाहिए यानी वॉल्यूम जितनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, यानी इसे आप कितनी फ्रिक्वेंसी में चला सकते हो। तो यहाँ पर आपको 160 हर्ट्ज से लगाकर 7000 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी में इसे आप आसानी से चला सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें देखने को मिलेगा। जो इसका SPL है जो 1 किलोहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी में, तो वो आपको देखने को मिलता है 113 dB 1 वाट 1 मीटर के हिसाब से, और यहाँ पर 130 dB 50 वाट 1 मीटर के हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए थोड़ी इसकी और ज़रूरी स्पेसिफिकेशन, यहाँ पर ये देखिए, सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि ये वीदर प्रूफ है, यानी आप इसे बारिश में भी डाल सकते हैं, धूप में भी डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसके अंदर पानी भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए इसे अब आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब आपको यहाँ पर ऊपर एक होलोग्राम देखने को मिलता है जो कि 7 रंगों से चमकता हुआ देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें आपको एक QR कोड भी देखने को मिलता है। आप इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो इसके सारे स्पेसिफिकेशन और सीरियल नंबर आपको शो होने लगेंगे, जो कि आपके ओरिजिनल की पहचान को दर्शाता है। जो डुप्लीकेट आएंगे, जो इसकी कॉपी आएंगे, उनमें ये QR तो बना होगा लेकिन वो काम नहीं करेगा, आपके QR स्कैनर से बार बार हट जाएगा। और पीछे कुछ प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने आपको बोला था इसे 5 वाट में आप बना सकते हैं, 10 वाट, 20 वाट, 50 वाट, तो यहाँ पर इस समय 50 वाट में सेट है, तो आप जितना चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका इस प्रकार का, इधर आप हॉर्न में से लगाते हैं, कुछ इस प्रकार का आपका डाई कास्ट एल्युमिनियम से बना हुआ है जो कि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अंदर इसके कॉइल में किसी प्रकार की वस्तु ना जा पाए, तो यहाँ पर आपको छोटी सी एक ग्रिल देखने को मिलती है। और ये इसकी वायर है जो कि आपको अटैच करना है अपने एम्पलीफायर से। इसे एम्पलीफायर में लगाने के लिए आपको जैसे नॉर्मल यूनिट को लगाना होता है वैसे आपको नहीं लगाना है, इसको हमेशा आपको ये ब्लैक वाली वायर है इसको कॉमन में लगाना है। और आपको एम्पलीफायर में एक रेड कलर का आउटपुट देखने को मिलता है जिसमें आपको कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो कॉमन में आपको एक काली वाली वायर लगा देना है। और ये जो आपको रेड वाली वायर देखने को मिल रही है ये आपकी 100 वोल्ट में लगा देना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका जो अंदर का पहचान क्या है, कैसे जानेंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट का, क्योंकि डुप्लीकेट वाले जो हैं बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा सारा चीज़ बाहर का कॉपी कर लेते हैं लेकिन अभी अंदर की वो सीक्रेट चीज़ उन लोगों ने दिमाग में नहीं रखा है, तो वहीं से आप जान सकते हैं, इसे खोल कर देख सकते हैं। इसलिए आपको इसके बारे में जो अंदर का डिटेल है उसे जानने के लिए मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ऑल डीजे सपोर्ट के नाम से, तो वहाँ पर आप सर्च करिए, वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए किस किस को जानना है इसके बारे में, तो मैं आपको जो है वहाँ पर इसके बारे में बता दूँगा, ताकि ये पब्लिक डोमेन में ना पहुँचे, लोग और ज़्यादा आपको बेवकूफ़ ना बनाएं, क्योंकि जो आजकल ये घटिया काम कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा कॉपी करते हैं। अगर वो खुफिया चीज़ें बता दी जाएंगी तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा और कॉपी करना शुरू कर देंगे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको इंस्टाग्राम में आना, वहाँ पर आपको मैं सारी जानकारी दे दूँगा, ठीक है। अब चलिए इसको आपको मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में जो इसकी दूरी है 5 किलोमीटर काम करती या फिर नहीं करती है, कितना दूर तक करती है वो भी आपको बताएंगे। अभी आपको हमने अपने स्टूडियो में जो भी LMT की जानकारी थी वो दिया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा साउंड सिस्टम है जहाँ पर मैं आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा अपने उस LMT की। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर उसकी जानकारी दे दूँगा कि उसके कनेक्शन कैसे करने हैं, और साथ ही आपको बता देता हूँ कि LMT और नॉर्मल यूनिट में बहुत बड़ा अंतर होता है। नॉर्मल यूनिट को यूज करना थोड़ा कठिन होता है, उसमें ओम्स भी मैच करने होते हैं लेकिन LMT में ओम्स नहीं मैच करने होते हैं। और दूसरी बात कि जब हम नॉर्मल यूनिट को दूर लगाने की कोशिश करते हैं तो नॉर्मल यूनिट जो होता है, जैसे हम उस पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में जैसे एक हमने लगा दिया 50 मीटर में, दूसरा लगा दिया हमने 75 मीटर में, तो ऐसे करके 50 मीटर वाले में ज़्यादा वैल्यूम आएगा और 75 मीटर वाले में उससे कम आएगा। अगर उससे आगे और यूनिट लगाते हैं तब उसमें और कम आएगा, लेकिन LMT में ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे जैसे ही पैरेलल में लाइन से लगाते जाओ, जितनी दूर तक आप लगाओगे बराबर सभी यूनिट में सेम आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। और साथ ही जब एक नॉर्मल यूनिट को आप लंबी वायर से लगाते हैं तो वायर पूरे पावर को ड्रॉप कर देती है क्योंकि उसमें DC करंट होता है। अगर हम LMT यूज करते हैं तो उसमें जो पावर आउट होता है वो अल्टरनेट पावर होता है, यानी AC करंट होता है, जिससे आप चाहे जितनी लंबी वायर लगा दें आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको इसके कनेक्शन बताते हैं। आप यहां पर देखिए, इस एम्पलीफायर में आपको नीचे जो आउटपुट देखने को मिल रहा है, यहां पर 70 वोल्ट, 100 वोल्ट और यहां पर कॉमन के 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे ही कॉमन और 100 वोल्ट में कनेक्ट कर लेना है। अब आप ये जो आउटपुट हैं इनको डायरेक्ट LMT के पॉइंट से जोड़ सकते हैं। तो यहां पर कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं अपना लोकेशन जहाँ पर ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है, और उसके बाद आपको अपने गांव ले चलते हैं जहाँ से मैं आपको इसकी आवाज़ सुनवाऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, मैं फर्सी में हूँ और गूगल मैप से आपको दिखाता हूँ इसकी दूरी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये गूगल मैप रहा, और यहाँ पर आप देखिए इस समय हम यहाँ पर फर्सी में हैं और बीचों बीच यहाँ पर गाँव पड़ रहा है और यहीं पर हमारा साउंड लगा है। अब चलते हैं अपने गाँव में। हालांकि टेस्टिंग मुझे रात में करना पड़ेगा क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, तो चलिए चलते हैं टेस्टिंग के लिए।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस समय सुबह के 5 बजे हुए हैं और यहाँ पर मैंने फारसी का लोकेशन लगा के रखा है ताकि आपको इसकी दूरी दिखा सकें। यहाँ पर 3.6 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास की दूरी है, जो कि टेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। ये टेस्टिंग रात में इसलिए की गई है क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, जिससे दिन में अगर हम इसे टेस्ट करते तो बहुत सारे साउंड डिस्टर्ब करते, चारों तरफ साउंड लगे हुए हैं हर जगह पंडालों में, तो आवाज़ आपको क्लियर नहीं समझ में आती। इसलिए मैंने ऐसा समय सेलेक्ट किया जिसमें सिर्फ वहीं की आवाज़ आए ताकि आपको एक क्लियर वॉइस मिल सके LMT का। और चलिए हम आपको टेस्ट ऐसे कराएंगे, मैं वहाँ पर फ़ोन करके अपने बंदे से बोलूँगा, वो वहाँ से कुछ सॉन्ग लगाएगा और कुछ वहाँ से माइक में बोल के दिखाएगा, जैसे LMD टेस्ट ऐसे कुछ शब्द। तो आपको थोड़ा से गौर से समझना है क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक कैमरे का माइक्रोफोन और इंसान के कान में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करना बस। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं अब। तो आपने देखा कि ये जो दूरी थी ये 3.6 किलोमीटर की दूरी थी, और ये जहाँ पर साउंड लगा हुआ है वहाँ से मेरे गांव की दूरी है। तो इतनी दूरी में आपको इतनी क्लियर वॉइस आ रही थी, वो भी एक कैमरे के माइक्रोफोन में सुनाई दे रही थी। अगर रियल में इंसानी कानों से इस आवाज़ को सुना जाए तो और भी ज़्यादा दूरी से आप इसे स्पष्ट सुन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 5 किलोमीटर बताया था, तो ये 5 किलोमीटर तक आवाज़ भेजने में पूरी तरह से सक्षम है, उससे ज़्यादा आवाज़ जाएगा। अभी आपको मैंने इसकी टेस्टिंग दिखाया और आपको वहाँ पर कनेक्शन भी दिखाने की कोशिश किया ताकि आप कनेक्शन भी कर पाएँ। साथ ही आपको टेस्टिंग के लिए मैं काफ़ी दूर लेके गया और आपने देखा कि कितना क्लियर वॉइस आता है और कितना दूर तक इसका वॉइस आता है। आप बताएं आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, और साथ ही बात कर लेते हैं DJ वालों के लिए कैसे उपयोगी है। देखिए, जिन लोगों के पास बेस लगे होते हैं या फिर केवल टॉप, जिसे हम 15 इंच वाले टॉप बोलते हैं, केवल उनको लगा के रखे हैं और HF ड्राइवर लगा के रखे हैं, तो उनके साउंड में मिड नहीं आता। अगर आपके साउंड में मिड नहीं आता है तो आप इसे एक अलग एम्पलीफायर से एक बॉक्स में सेट करके इसे आप लगा सकते हैं, ये आपका लाइनर जैसी आवाज़ देगा, यानी आप इसे DJ में यूज कर सकते हैं, आपकी आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण बना देगा, जो कि हमने इसे ट्राई भी किया है तब आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं। सो ये प्रोडक्ट DJ वालों के लिए भी बेस्ट है और जो लाइव साउंड करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही जो छोटे छोटे काम करते हैं, जिनके पास बहुत छोटे एम्पलीफायर होते हैं, अखंड रामायण का पाठ होता है और साथ ही और छोटे मोटे सुंदरकांड वगैरह जैसे काम हो जाते हैं, ऐसे कामों में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप बताएं कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसका यूज पहले से कितने लोग कर रहे थे वो भी बताएं, और जो लोग इसको अब लेने की सोच रहे हैं वो लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप इसके बारे में अगर और अच्छी जानकारी चाहते हैं तो मैंने आपको पहले बताया कि ALL DJ सपोर्ट एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहाँ पर आप जा करके मुझसे कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, जिसको मैं और भी अच्छे तरीके से एकदम खुले तरीके से आपको बता दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती हैं बताने के लिए, तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपका सपोर्ट हमें और आगे बढ़ने में मदद करता है। तो आपके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब है, लेकिन मेरे लिए आपका आशीर्वाद है, इसलिए अपने आशीर्वाद को बनाए रखें। फिर मिलेंगे किसी अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, नमस्कार।